अगर आप टारो में ओकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदरवाइज भी आपका बहुत इंटरेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हैव अ टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें ए टू जेड अबाउट टारो आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी इस कोर्स में कवर्ड है और इसी से ही रिलेटेड अगर कोई भी डाउट कोई भी सवाल आपके मन में है आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं अब देखिए अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाती हैं लेकिन व्हाट्सअप आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है और अगर आपका टारो ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन अभी आप सीखने के मूड में नहीं हैं आप मेरा फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी और इन दोनों के ही लिंक्स यानी कि टारो सर्टिफिकेशन और वेबिनार के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हेलो एवरीवन मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2024 की लव टारो रीडिंग तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी क्या आप महसूस करेंगे फाइनली अगेन जून मंथ में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो मून साइन हो या फिर साइन हो तो चलिए जी देखते हैं कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है तो चलिए जमनीज आप लोगों के लिए देखें कि जून 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड एन थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ सो फ्लोटिंग एंड पेज ऑफ वॉन्स रिवर्स और देखिए ये तीनों ही कार्ड्स को कंबाइन करके अगर देखें तो कहीं आप बहुत चीज़ों को कैजुअल ले रहे हैं एक इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं और साथ ही साथ अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं यानी कि थोड़े से कंट्रोलिंग थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं और कहीं माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं देखिए उतना इमोशनल उतना सेंटिमेंटल आप कहीं जून मंथ में पार्टनर को लेकर इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं होते हुए दिख रहे हैं फिर से कहूंगी लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं से चल रहे हैं और कहीं कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं और साथ ही साथ बहुत इम तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं आपका एक इमेच्योर एंथुजियाजम रह सकता है इम एक्साइटमेंट रह सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि मिड में में ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि एक्साइटमेंट एंथुजियाजम मिसिंग रह रही है और हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से एक्शन इनिशिएटिव का आप वेट कर रहे हैं एंड देखिए इन द प्रोसेस फ्लर्टिंग का कार्ड कहता है कि आप या तो अपने पार्टनर के साथ ही फ्लर्टिंग करना चाह रहे हैं कर रहे हैं या फिर पार्टनर के अलावा और लोगों के साथ भी एक लाइट हल्की फुल्की फ्लर्टिंग आप कर रहे हैं करना चाह रहे हैं और यहाँ पे देखिए इन एंड आउट का कार्ड सारी ही जो ये एनर्जीज हैं उनको नक्षल में बता रहा है कि कभी तो आप इन होते हैं रिलेशनशिप में कभी आउट होते हैं यानी कि किसी दिन आपको लगता है कि नहीं आप तो बहुत लव करते हैं आपके मन में बहुत फीलिंग्स हैं आपको ऐसा लगता है और कभी आपको लगता है कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स ही नहीं है तो कभी देखिए अगेन मैं कहूँगी आप रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं और रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं कभी आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और आप अच्छा नहीं फील करते हैं, आप से बाहर जाना चाहते हैं। तो कहीं ऐसी तो कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई आपके माइंड में थॉट्स you know, भर रहा है यानी कि आप अपने माइंड से अपने दिमाग से चीजों को नहीं डील कर रहे आप देखिए कोई भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोच का कार्ड है तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मेस्कुलन एनर्जी वाला इंसान ये फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकती हैं जो बहुत कंट्रोलिंग है जो बहुत डोमिनेटिंग है अथॉरिटेटिव हैं है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कुछ के लिए यहाँ पे पेज ऑफ रिवर्स का, का कार्ड कहता है कि कोई बहुत इमेच्योर इंसान है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और देखिए इसके अलावा कोई और भी हो सकता है यहाँ पर पुटिंग थाट्स इन माई माइंड का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई आपके माइंड में लिटरली थाट्स डाल रहा है और कहीं इसी या फिर अदरवाइज या फिर इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एंड जून में आप थोड़ा सा एक प्रेशर थोड़ा सा एक बर्डन महसूस कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आ गई हैं या फिर मैं कहूँगी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हैं और कहीं देखिए जब भी टर्न ऑफ वॉन्स का कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को लाइट एंड ईजी रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं लेकिन इसका असर फिर बाद में होता है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को लाइट एंड ईजी रखें कोई भी चीज़ अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है या फिर लग रही है उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें और कोई भी बहुत प्रेशर बर्डन आप ना लें क्योंकि एंड जून थोड़ा सा फिर आपको परेशान कर सकता है अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं तो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं इसमें एक कपल की शादी हो रही है तो कहीं आपके पार्टनर के लिए देखें तो लिटरली हो सकता है कि वो आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं आपके साथ एक यू नो फॉर के लिए साथ चाह रहे हैं कंपानियनशिप चाह रहे हैं टुगेदरनेस चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इनफैक्ट मैं कहूँगी आपका साथ चाह रहे हैं आपको चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ कुछ मसले भी वो महसूस कर रहे हैं अब देखिए सब जेमिनीज़ uh, के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर अगेन शादी चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि शादी नहीं हो पाएगी फिर से देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा सब जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीज़न रहेंगे बट येस डेफिनेटली यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स का कार्ड कहता है शादी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लॉन्ग टर्म आपका साथ चाह रहे हैं लेकिन कुछ इश्यूज हैं और डीपर लेवल के लिए सेक्सुअल फ़ोटोज़ का कार्ड कहता है कुछ या तो फोटोज से रिलेटेड इशू है या उसकी वजह से इशू है और क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल फोटोज लिखा हुआ है तो फिजिकल एंटीमेसी या देखिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इशू उनके मन में रह सकता है अब देखिए जनरल रीडिंग होती है तो इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और ये आपकी सिचुएशन है तो इससे हिंट लेकर आप ख़ुद ही समझ पा रहे होंगे कि क्या इशू रह सकता है और देखिए कहीं मिड जून के लिए एट ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स का, का कार्ड कहता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं बहुत तेज़ी से एक्शन इनिशिएटिव्स लेकर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ऐसा कर रहे हैं नहीं उतनी तेज़ी से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जितनी तेज़ी से वो मन ही मन चाह रहे हैं हैप्पी डेज एहड का, का कार्ड कहता है कि आपके साथ एक जिसे फिर से मैं कहूँगी फ्यूचर चाह रहे हैं खुशहाल फ्यूचर चाह रहे हैं टू क्या बोलते हैं उसको एंड दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर तो उस तरीके की एक एनर्जीज़ में वो रह रहे हैं उनको ऐसे लग रहा है कि बस हमेशा आपके साथ रहें खुश रहें एक खुशहाल जीवन रहे लेकिन फिर से कहूँगी छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं और इसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं नहीं ले रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री वो मूव हो रहे हैं शिफ्ट हो रहे हैं अगेन सब जेमिनीज़ के पार्टनर के लिए डिफर करेगा जो एक दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा एंड देखिए एंड जून के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड घोस्टिंग के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं बहुत एक लव केयर आपके लिए महसूस कर रहे हैं हो सकता है वो एक्सप्रेस करें या हो सकता है ना भी एक्सप्रेस करें बट डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक लव केयर आपके लिए महसूस कर रहे हैं बहुत एक मूड स्विंग्स भी उनके हो रहे हैं और नीचे घोस्टिंग का कार्ड कहता है जितना मर्जी प्यार मोहब्बत वो महसूस करें कहीं उस तरीके से एक्शन इनिशेटिव नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं या फिर जिस तरीके से उनको लेना चाहिए अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है तो देखिए जून मंथ के लिए या फिर स्टार्टिंग के लिए सबसे पहला कार्ड है फोर ऑफ़ कप्स और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप दोनों के बीच में कुछ खास नहीं होता हुआ दिख रहा है वे नए से कुछ खास नहीं होता हुआ दिख रहा है तो सबके लिए अगेन डिफ़र करेगा या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जिस लेवल पर आपका रिलेशनशिप है उस लेवल से यू you नो know, कुछ ख़ास नहीं होता हुआ दिख रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीछे आप दोनों रोज़ मिलते थे तो हो सकता है कि अब यू नो हफ़्ते में दो तीन दिन मिल रहे हैं या जितना आप मिल रहे थे उससे काफ़ी आपका मिलना रिड्यूस हो रहा है कम हो रहा है वन से न वाइल मिल रहे हैं और अगर पीछे बात ही नहीं हो रही थी तो हो सकता है कि बिल्कुल भी आप लोग एक दूसरे से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं और कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ देखिए अगर मिल भी रहे हैं तो फोर ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनली लो फील करने की बात करता है बहुत ही एक बोर्डम वाली मोनोटनेस वाली एक डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज़ के रहने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के बीच में इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है डीपर लेवल के लिए शॉकिंग का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें आपको या कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को थोड़ा सा हैरान थोड़ा सा परेशान करती हुई दिख रही हैं हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपने जमनीज़ नहीं एक्सपेक्ट करी पार्टनर से और आपको जून मंथ में उस चीज़ का एक एहसास हो रहा है या जून स्टार्टिंग में एहसास हो रहा है और आप इसलिए थोड़ा सा एक डिससेटिस्फ़ैक्शन महसूस कर रहे हैं और सिमिलर सी एनर्जीज कुछ जेमनीज़ के पार्टनर के लिए हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे नहीं एक्सपेक्ट करी उन्हें नहीं उम्मीद थी तो वो थोड़ा हैरान परेशान हो रहे हैं जो भी हो कहीं मिड जून के लिए द फूल का कार्ड कहता है कि बहुत एक केयरलेस बहुत एक इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने लिए स्पेस चाह रहे हैं एक अपने लिए फ्रीडम चाह रहे हैं या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अभी अभी बंधना नहीं चाह रहे हैं और आपके पार्टनर के लिए हमने देखा कि वो शादी चाह रहे हैं लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज भी उनकी तरफ से रख रह रहे हैं क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है और फूल का कार्ड कहता है फिर से मैं कहूँगी कि एक इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं एंड कहीं बहुत कैजुअली फॉर ग्रांटेड आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों चीज़ों को ले रहे हैं डीपर लेवल के लिए ट्रबल जहर का कार्ड कहता है इसी वजह से थोड़ी सी मुश्किलें हो रही हैं थोड़ी सी परेशानियां हो रही हैं या फिर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि भाई आगे इस रिलेशनशिप को लेकर गए ना तो बड़े मसले हो सकते हैं बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं इसीलिए शायद उस एक कमिटमेंट के साथ चीज़ों को आगे नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं तो फिर से कहूँगी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि की वजह से मुश्किलें हो रही हैं कुछ के लिए हो सकता है कि मुश्किलें आगे आ सकती हैं या आप लोगों को लग रहा है कि आएंगी इसी इसीलिए चीजों को कैजुअली ले रहे हैं इसीलिए वो एक कमिटमेंट वो एक यू नो फ्यूचर को लेकर प्रॉमिस दूसरे जन के साथ नहीं कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं और देखिए एंड जून के लिए एस ऑफ सोच का, का कार्ड कहता है कि बहुत लॉजिकली चीजों को डील कर रहे हैं माइंड से चीजों को डील कर रहे हैं और डीपर लेवल के लिए स्ट्रेस का कार्ड कहता है शायद इसीलिए एक स्ट्रेस भी रहता हुआ दिख रहा है तो देखिए बहुत ब्लंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में एंड जून में या जून मंथ में रहता हुआ दिख रहा है और अगर मैं फिर से जून मंथ की ही एनर्जीज़ देखूँ तो स्टार्टिंग जून बोरिंग मनोटनेस एक मूड स्विंग्स इमोशनली लोअर्ली एनर्जीज रह सकती हैं और हो सकता है मिड जून में इसमें से बाहर निकल रहे हैं थोड़ा सा चीज़ों को कैजुअली लेना चाह रहे हैं मन ही मन कुछ मुश्किलों का आभास हो रहा है लग रहा है कि भाई आ सकती हैं और इसीलिए शायद एक फाइटिंग स्प्रिट रखना चाह रहे हैं थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं और कहीं मन ही मन फिर से मैं कहूँगी छोटा मोटा एक स्ट्रेस रह रहा है या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर स्ट्रेस नहीं रह रहा है तो वो एक सुकून वो एक सेटिस्फेक्शन आप लोग नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं तो ये था जमनीज़ आप लोगों के लिए जून 2024 की लव आर रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें